5 अस्पताल दिखा दीजिए जो दिल्ली के लेवल के हो, और 5 ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता दिखा दीजिए जिनमें सद्भावना हो। सद्भावना की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल सद्भावना की बात कर रहा हूँ मैं। मिथुन दा की तरह लग रहे हैं, मिथुन दा की तरह है उनके पैर से। हाँ जी फ्रेंड है। हाथ भी दिखाइए, पूरा वैसे ही तैयार होके इतने रुद्राक्ष, चार चार अंगूठिया। मिथुन दा के अगर फैन है तो कोई डायलॉग उनका याद है कुछ ऐसा उनका अंदाज? 2024 में किसको देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या होगा चुनाव? 2024 में केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। आप देख रहे तो जनता लाइव, मैं हूँ आप साथ रवीना, और मेरे पीछे आप जो भीड़ देख पा रहे हैं, ये भीड़ आज 11 जून को रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की रैली में जा रही है। आज अरविंद केजरीवाल यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में इतने भारी जन समर्थन के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। महारैली का आयोजन किया गया है, जो केंद्र के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है कि जो अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कि दिल्ली सरकार का उस पर अधिकार होगा, उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है। लेकिन उसी के विरोध प्रदर्शन में आज दिल्ली की जनता का साथ लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली रखी है। वो दिखाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से कितनी जनता उनके साथ है, और वो किस अब पूरे अपोजिशन के पास जा जाकर भी समर्थन मांग रहे हैं और जनता से समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन कई लोगों का कहना है कि ये जो महाशक्ति प्रदर्शन है, यह महारैली है, ये 2024 इलेक्शन के लिए भी है। ये इशारा है 2024 के लोकसभा चुनाव पर कि आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद है सबसे जानेंगे कि वो लोग आज यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं और क्या वो देख रहे हैं कि 2024 में आम आदमी पार्टी जो है वो कहाँ स्थान ले सकती है, यहाँ उसकी स्थिति अभी तक कहाँ पहुँची है। यहाँ पर अगर हम भीड़ की बात करें तो सर भीड़ खत्म होने का नाम नहीं दे रही है, लोग आते ही जा रहे हैं। सुबह 10 बजे का समय था, 12 बज गए, 2 घंटे से लगातार भीड़ जमा हो रही है। क्या लग रहा है, इस भीड़ को देखकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इस भीड़ को देख के बीजेपी को ये संदेश जाता है, मोदी जी को ये संदेश पहुँच गया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता नहीं पूरे देश की जनता अरविंद केजरीवाल पे विश्वास कर रही है, उनको आगे बढ़ाने का काम करी, उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। और देश में एक नया अभियान चालू हो गया है कि जब तक एक साफ सुथरी जनता, जनता का जो काम करेगा जनता उसको स्वीकार करेगी। आगे आने वाले दिनों में जनता ने एकदम क्लियर बहुमत दिया है कि आगे आने वाले दिनों में बीजेपी को यहाँ से भगाएंगे देश से। आम आदमी पार्टी सर आपसे जानना चाहेंगे, आप नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, लगातार अरविंद केजरीवाल भी उनकी डिग्री को लेकर सवाल पूछते हुए नजर आए थे विधानसभा में, डिग्री को लेकर कहानी सुना दी थी अरविंद केजरीवाल ने अनपढ़ राजा की। अगर मोदी जी के पास डिग्री अपनी असलियत की है तो उसे उनको सार्वजनिक कर देना चाहिए। अगर आप एक किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी डिग्री हो, अगर आपका ऑफिसर नहीं चेक करेगा तो किस आधार पे आपको जॉब दे देगा, नौकरी किस आधार पे देगा? अगर वो फेंक होगी तो वो आइडेंटिफाई करेगा ना, अगर आपकी ओरिजिनल है तो वो तो आपको एक्सेप्ट करेगा ना। तो ये क्या दर्शा रहे हैं यहाँ पर इतनी भीड़ और अरविंद केजरीवाल सारे कार्यकर्ता, दर्शाने की क्या कोशिश हो रही है? दर्शाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, दर्शाने का ये कोशिश हो रहा है कि जनता, दिल्ली की जनता को जिसने एक बहुमत दिया है काम करने के लिए, जनता के विकास के काम के लिए, विकास के काम के लिए जो पूर्ण बहुमत दिया है उसको जनता ये कहना चाह रही है कि उसको काम करने दिया जाए। अच्छा, अगर वो काम नहीं कर पाएगी तो जनता का विकास कैसे कर पाएगी, ये संदेश जनता ने देने का काम किया। ये बोल रहे हैं कि जनता साफ साफ ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली सरकार को अगर हमने कमांड दी है अपनी तो उतना ही काम करे, दिल्ली सरकार को उतने अधिकार दिए। अच्छा ये बताइए कि जो अरविंद केजरीवाल जी चुनी हुई सरकार में बैठे हैं, उन्हें हमने और जनता ने तो चुन के भेजा है, अब जो देश के नरेंद्र मोदी जी हैं वो उनके अधिकारों को छीन लेते हैं, तानाशाही दिखाते हैं। 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, इंसाफ की लड़ाई लड़ी, और हमने लड़ाई लड़ी अपने हक की लड़ाई लड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को क्या फैसला दिया कि दिल्ली को एलजी चलाएगा। अरे क्या तानाशाही है, ये तो सरासर हिटलर शाही। और मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी ये समझते हैं कि दिल्ली उनकी है, दिल्ली की जनता ने जो सरकार चुनी है वो पागल है दिल्ली की जनता। अच्छा। दिल्ली की जनता के वोट का कोई मूल्य नहीं है। केजरीवाल सारे विपक्ष के नेताओं के पास पहुंचते हुए दिखाई दिए, समर्थन मांगते हुए दिखाई दिए, क्या लग रहा है ओपोजिशन के इकट्ठा होने से क्या संदेश दे रहे हैं? मैडम एक बात बताऊं मैं आपको। हाँ। पहली बात तो ये है मोदी जी डर रहे कि विपक्ष एक हो रहा है। अच्छा, मोदी जी डर रहे हैं। जब उनके मंत्री, उनके विधायक, आप ये बताइए जंतर मंतर पर पहलवानों को ये सरकार घसीटती है, मारती है,
डंडे मारती है जब आप मोदी जी से या अमित शाह जी से माइक पूछने नहीं जाते कि उसको बर्खास्त क्यों नहीं करते। हम लोगों से आप सवाल करने आए हैं, जनता से तो सवाल करेंगे ना, जनता की राय तो जानेंगे ही ना, तो उनसे भी पूछिए ना कि जनता उनके लिए क्या पीड़ा रखती है। पहलवानों को घसीट के मारा जाता है, या भाई बोल ना, पहलवानों घसीट के मारा जाता है जब मोदी जी एसी रूम में बैठते हैं। जब ट्रेन हादसा होता है मोदी जी दुख जता के मुआवजा दे के चुप हो जाते हैं। 15 लाख अभी तक आए नहीं, 2 लाख नौकरियां मिली नहीं, पकोड़े बेचने का काम करवा रहे हैं। ये बताइए नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार में अभी तक क्या काम किया, एक काम बता दो। चलिए आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल की जो आज रैली है उसको भी बोल रहे कि 2024 पर निशाना साध रहे हैं, 2024 के चुनावों पर। हमने ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये पैसों में बुलाई हुई भीड़ नहीं है, और ये यहाँ से लेके वहाँ तक हम लोग पैदल आए हैं, ये हमें बुलाया नहीं गया है, ये हम काम पे आए हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, गोपाल राय जी ने काम किया है, मनीष सिसोदिया जी से ये कितना डर रहे थे, मनीष सिसोदिया जी से ये कितना डर रहे थे, उन्हें जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन जी से कितना डर रहे थे, उन्हें जेल में डाल दिया। स्वास्थ्य पे काम हो रहा था, शिक्षा पे काम हो रहा था, सारे अच्छे काम हो रहे थे, सारे अधिकार तो मोदी जी ने छीन लिए। बार बार सत्ता पक्ष यही बोलता है कि दो नेता तो जेल में है, काम कैसे करेंगे जनता के लिए। मैडम इनका बस चले ये पूरी सरकार को डाल दें। जी क्या जेल में तो यही डालने हैं, यही अमित शाह जी थे जिनके ऊपर तड़ी पार के मुकदमे लगे हैं। यही अमित शाह जी थे जिनके ऊपर तड़ी पार के मुकदमे लगे हैं। इनके आज इनका टाइम है, जिस मनमर्जी को उठा के जेल में डाल दे रहे हैं। जो कोई विपक्ष बोल रहा है उसी विपक्ष के ऊपर आरोप नहीं लगेंगे? नहीं नहीं नहीं, जो विपक्ष बोल रहा है उसके ऊपर सीबीआई और ईडी सारी की सारी एजेंसियां उनके पीछे भेज दे रहे हैं। ये लोग जो बीजेपी में आ गए वो सारे जो बीजेपी के अंदर आ गए वो दूध का धुला है, बाकी के सारे बेकार हैं। ये आज की देश में इस टाइम पर जीडीपी पूरा का पूरा फ्लॉप हो चुका है, कोई भी उसके ऊपर बात नहीं करता, सिर्फ ओनली फॉर धर्म की राजनीति हो रही है। हिंदू मुसलमान आप बताइए कौन सा विकास का काम हुआ है। केजरीवाल जी ने इतने सारे काम किए हैं उसके ऊपर लोग बाग उनको दोबारा मौका दे रही है और हर बार जिताती आ रही है, जिता रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष यही बोलते हैं कि फ्री देके कब तक जीतेंगे, फ्री की राजनीति कब तक करेंगे। फ्री कुछ भी नहीं दे रहे हैं, आप एक बार बताइए, जनता का पैसा लेकर जनता को अगर दे रहे हैं क्या, बताइए क्या गलत कर रहे हैं, बताइए। कोई पार्टी है जो कोई कुछ भी नहीं दे रही, जनता का सिर्फ खून चूस रहे हैं लोग बाग, जनता का लोग बाग खून चूस रहे हैं, और जो जनता को दे रहा है उस वो बेकार है। जनता का पैसा लेकर अगर जनता को दे रहा है तो क्या वो गलत कर रहा है, बताइए। बोल रहे शराब नीति को देख लीजिए, इतने ठेके खोल दिए, कुछ नहीं, कोई भी गलत काम नहीं किया है। और आप ये देख लीजिए, आज हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल इतने बढ़िया हैं, आज हमारे यहाँ पर पढ़ाई की स्कूल की हालत इतने अच्छे हैं कि लोग बाग बाहर की कंट्री के लोग बाग हमारे यहाँ पर दिल्ली में देखने आ रहे हैं। आज ये देख लीजिए, केजरीवाल एक ऐसा शख्स है कि जो वो पूरे भारत की इकोनॉमी को बहुत ऊंचे लेवल पे ले आ सकते हैं, इनको मौका दिया जाए। अच्छा। और हम सारे लोग मौका क्या 2024 की बात हो रही है, बिल्कुल 2024 के लिए अगर कोई विपक्ष में नेता है जो टक्कर दे सकता है मोदी जी को, वो ओनली फॉर अरविंद केजरीवाल। मोदी जी को नहीं देख रहे 2024 में? एक नीति बोलेगी शराब नीति, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ हरियाणा में, हरियाणा की सरकार उन्होंने लागू कर रहे हैं कि मतलब जो स्टेडियम में दारू पियो, ऑफिस में दारू पियो, तो इससे घटिया और इससे जो है शराब नीति, आप लोग इस पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? अच्छा। ये सब आप लोग का देन है जो आप लोग इनको बचाने का कोशिश करते हैं। किसको बचा रहे हैं? केजरीवाल क्या सवाल नहीं करते अगर हमारे हैं? अगर आज आप सवाल करते तो अभी तक मैं किसी मीडिया में नहीं सुना हो जो हरियाणा सरकार जो है मतलब स्टेडियम के अंदर ऑफिस के अंदर दारू पीने का नीति जो लागू कर रहा है। गलत है शराब नीति, आप मानते हैं गलत है शराब नीति? अगर शराब नीति गलत नहीं है, पहले मेरी बात सुनिए, शराब नीति गलत नहीं है, शराब चलना किस जगह चाहिए, शराब पिलाना किस जगह चाहिए, ये चीज गलत है। शराब नीति तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, सबसे पहले यूपी में जाओ, जो दिल्ली में 200 का शराब मिलता है यूपी में 400 का मिलता है। यही तो बोल रहे हैं कि एक के साथ एक फ्री कर दिया लोगों को, शराब पिलाने की आदि बन रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ मोदी जी से, जहाँ जिस राज्य में उसकी सरकार है, आज गोवा है, गोवा मीट का ये लोग जो है मतलब हल्ला करते हैं और गोवा में मीट बेचते हैं,
गोवा में जो खुलेआम शराब बेचते हैं, खुलेआम मतलब जो शराब का सेल करते हैं, तो जहाँ जहाँ इनका राज है पहले ये शराब बंद कर देना, फिर दूसरे पे हाथ उठाएगा, केजरीवाल ऐसे बंद कर देगा। 2024 में किसको देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या होगा चुनाव? 2024 में केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। 2024 का आगाज हो चुका है, परिवर्तन होगा, लिख लीजिए, परिवर्तन की तरफ बढ़ चुका है भारत, बदल देगा बहुत कुछ। मोदी सरकार नहीं 2024 में, सरकार तो भारत की होती है। हाँ। बदल जाएगी, मोदी जी बदल जाएंगे इस बारी। तो क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी आगे निकलेगी ओपोजिशन के? कब का है आपको, आप देखते जाइए ना। हाँ। ये युग परिवर्तन का दौर है। हाँ। 2013 को याद कर लीजिए, 70 में से जीरो कर दिया एक व्यक्ति ने 70 साल की पार्टी को। मोदी जी अहंकार में बताइएगा, अहंकार तो रावण का भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि 2024 में भी मोदी सरकार भारी बहुमत के साथ। दावा तो उन्होंने कहा था 300 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी दावा किया था स्मार्ट सिटी बनाएंगे 300। हाँ। तीन गिना दीजिए। हाँ। गुजरात में 5 स्कूल दिखा दीजिए जो दिल्ली के लेवल के हो, 5 अस्पताल दिखा दीजिए जो दिल्ली के लेवल के हो, और 5 ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता दिखा दीजिए जिनमें सद्भावना हो। सद्भावना की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल सद्भावना की बात कर रहा हूँ मैं। ये सिर्फ भाई को भाई से लड़ाकर खीर खाना चाहते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी, 2 बंदर थे और एक बिल्ली थी। ये बिल्ली वाला काम कर रहे हैं या बंदर वाला कर रहे हैं? लड़वा किसको रहे हैं? 2 बिल्लियों को बंदर खा रहे हैं, 2 बिल्लियों को लड़वा के बंदर खा रहे हैं। यहाँ पर एक और शख्स मौजूद है जो भगवा रंग में यहाँ बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल की रैली में। मैं जी भगवा रंग पहनकर आए अरविंद केजरीवाल की रैली में, आप भगवा पहनकर आए हैं, साफ साफ बोला जाता है, आपको भी पता है कि किसके समर्थन में लोग आते हैं भगवा पहन कर? कई हजार साल वो तो कपड़े भी क्या है, कपड़े तो अपने कोई कोई भी पहन सकता है, उसका कुछ नहीं होता है। कपड़े तो जिसकी जो पसंद है वो अपने पसंद के पहनता है, कपड़ों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा, तो आप सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को समर्थन देने आए हैं? ठीक है। इतने जनता को देखकर क्या कहना चाहेंगे, इतने 1,00,000 से लगभग लोग लग रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि बाकी लोग भी आ रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। कोशिश है बदलने की, सत्ता परिवर्तन की बात जी। यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, ये भी यही बोल रहे हैं कि रंग से क्या होता है, जरूरी नहीं है जो भगवा पहन कर आया है वो किसी पार्टी को समर्थन नहीं दे सकता। जैसे आज मोदी जी से निराश है, आज मोदी जी से क्यों निराश है? मोदी सरकार बोल रही है 9 साल बेमिसाल। कौन कहाँ बेमिसाल? बेमिसाल तो उनके बनना है ना, अंबानी और अडानी के बेमिसाल तो उनके लिए है। जब उन्होंने गरीब आदमी के लिए क्या मिसाल है? गरीब आदमी की तो मट्टी खराब है, गरीब आदमी की मिसाल कहाँ है? गरीब आदमी तो पिस रहे हैं, गरीब आदमी कब पिस रहे हैं? आप बोल रहे गरीब आदमी पिस रहे, वो बोले सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके बोलते हैं मगर करते नहीं है। अच्छा, हाँ जी, अरविंद केजरीवाल करते हैं, कर रहे हैं, गरीब के साथ है वो, कर रहे हैं, फ्री का दे रहे हैं इसलिए तो नहीं साथ है। अरे फ्री का दे रहे हैं भाई, वो कुछ भी दे रहे हैं, गरीब के लिए मदद कर रहे हैं ना, गरीब की मदद कर रहे हैं। मोदी ने की गरीब की मदद, राशन नहीं मिल रहा फ्री का बोल रहे हैं, राशन दिया है, एक दिन दे दिया राशन, उससे क्या हो रहा है? अब केजरीवाल को 8 साल हो गई देते देते। केजरीवाल जी बच्चों के लिए अच्छा स्कूल दिया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा क्या चाहिए जनता को? चलिए, मतलब आप सब लोग समर्थन में 2024 में आम आदमी पार्टी? बिल्कुल समर्थन देंगे, पूरा तन मन तन के साथ पूरा समर्पित करने आए हैं रैली में। तो आप देख रहे थे कि दिल्ली की जनता जो आज रैली में मौजूद है, अरविंद केजरीवाल जी भाषण दे रहे हैं, लगातार संबोधित कर रहे हैं, समर्थन की बात कर रहे हैं, उस जनता का क्या कहना है, और 2024 का आगाज यहाँ से हो रहा है उस पर जनता का क्या कहना है? जनता की बात तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ, शुक्रिया।